हे गाइस, वेलकम बैक टू वी आर फैमिली ब्लॉग। सो गाइस, आज टिफिन पैक करके चीनू को भेज दिया है शोरूम पे, पर उसमें स्पून डालना भूल गई मैं। और मुझे पता है कि अगर स्पून नहीं रहा तो वो खाना नहीं खा सकते। तो रोटी और सब्जी तो खा लेंगे, पर राइस और दाल नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको हाथ से खाना पड़ेगा तो वो नहीं खाएंगे। इतने नखरे हैं चीनू के, तो मैं इसलिए ले जा रही हूँ स्पून घर से देने के लिए, उनको बिना बताए। अगर मैंने बता भी दिया ना कि स्पून रह गया था, मैं देने आ रही हूँ, तो भी मना कर देंगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, रहने दो। तो मैं फिर बोलूँगी कि हाथ से खा लोगे क्या, तो बोलेंगे नहीं, वो तो खाऊँगा तो नहीं मैं, वो तो ऐसे ही रखा रहेगा, पर तुम भी मत आना देने। मतलब उनको इतना गुस्सा आ जाता है तो इसलिए मैं जा रही हूँ स्पून देने गाइस। तो गाइज, उधर का गेट बंद है क्योंकि उधर रोड बन रहा है, तो वापस उन्होंने मुझे इधर से भेजा गेट नंबर 2 से। तो इधर मुझे, मैं घर के इधर से ही वापस निकल रही थी, तो यू ने देख लिया और पीछे लग गया वो। तो अब उसको लेकर के भी जा रहे हैं। जीवन में बहुत संघर्ष है, पति अलग अपने उसमें रहते हैं, बच्चा अलग, पीछे नहीं छोड़ता है। तो जा रहे हैं हम देने स्पून। नहीं, उसने आपको पहचाना था, मैंने कहा वो तो कार को स्टॉप कर रहा था, दीदी रुको, दीदी रुको। मुझे लगा कि वो मुझे बोल रहा है रुको रुको। नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं था। ये लो स्पून। स्पून नहीं रखा था उसने, मैंने खोला नहीं अभी तक, के पैक है, खोला होता तो फिर मैं मालूम है ना, मुझे इसलिए मैं देने आई स्पून। मुझे पता है कि मेरी मेहनत एक तो खाना बनाने में लगी है, दूसरे भी बातें सुनने में मेरे कान में से खून निकलेगा। ये इतना कम खाती है कि रोटी सब्जी दाल चावल देखे हाँ। ये सब मेरा हाँ। क्यों रही है, तुझे भूख नहीं लगती? घर पे लगती उसको, यहाँ नहीं लगती। मुझे लग रहा था कि तुम खोल के बस बैठे होगे और तुमने देखा होगा स्पून नहीं है, तो तुमने भयंकर गुस्सा किया होगा, टिफिन बंद कर दिया होगा। अच्छा अच्छा यार, स्पून देने आई मैं, कितना प्यार करती हूँ मैं। मैंने सोचा कि अगर स्पून का बताऊंगी ना कि स्पून देने आ रही, तुम मना कर दोगे, रहने दो, मत देने आओ। नहीं नहीं यार, दीपक लाने मंदिर के लिए दो, वो ही लेने जा रही थी। चलो मिल लो। तो गाइज, हम जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो एकदम से ऐसा मन ही नहीं करा कि बाहर व्लॉग करूँ मैं व्लॉगिंग। तो बस अभी जस्ट आए हैं सारे सामान वामान लेकर के। एक्चुअली क्या है ना कि मंदिर के दीपक उनकी भी एक स्टोरी है। मंदिर के दीपक को यू ने उठाया और पता नहीं कहाँ क्या करा कि वो मिल ही नहीं रहा। इतना ढूंढा दिन भर हमने, पर वो मिल ही नहीं रहा। तो अब दूसरा दीपक लेकर के आई हूँ आज, नहीं तो शाम को अभी हो नहीं पाता, आरती नहीं हो पाती, दीपक नहीं लग पाता। यूविन के ऐसे काम है, घंटी छुपा देगा कहीं पे भी। चलो घंटी छुपा देगा तो चलो ठीक है, घंटी के बिना किया जा सकता है, पर दीपक चलाए बिना आरती कैसे की जा सकती है? तो वही है, घंटी छुपा देता है कभी कभी, दीपक छुपा देता है, पूरे घर में ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। और उससे पूछोगे ना कि बेटा कहाँ रखा, पता नहीं पता नहीं, यही था पता नहीं यही था, वो भूल जाता रख करके। तो फिर कहाँ ढूंढो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो आज एक्स्ट्रा 2 दीपक लेकर के आई हूँ मैं गाइस। तो युवू और मम्मा यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना है युवू, मम्मा उसको उड़ा रही है, उड़ो एयरप्लेन। कैसे उड़ता है एयरप्लेन, कैसे उड़ता है? अच्छा बिट्टू, अच्छा अच्छा, क्या नहीं ऊपर जाए, क्या ऊपर जहाज चल रहा है, ओले वो। अच्छा मम्मा किच्ची दे दो, आहा मेरा गोपलू, उठ इधर से आके देखा मेरा बेटा, चल के कार याद आ गई उसको। युवू युवू, आपने दीपक कहाँ रखे? इधर 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 का मुंह करो, इधर का, जिधर वीडियो बन रहा है ना उधर। गुड, आपने
आपने दीपक कहाँ रखे बिट्टू? दीपक मैं रखी। वहाँ पे तो है ही नहीं, मम्मा ने ढूंढ डाले, सारे घर में ढूंढ डाला। कहाँ रखा आपने? नहीं वहाँ रखा। अच्छा, मिल क्यों नहीं रहा फिर वहाँ रखा तो? क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मैं लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ बोलते हैं बिट्टू, मेरा प्यारा सा बिट्टू, मेरा बिट्टू है वो बिट्टू। अरे बाय कर रहा है। अच्छा बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस। गाइस बोलो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? इधर इधर आओ, इधर आओ, यहाँ ऊपर आके बोलो हेलो गाइस, हाउ आर यू बोल रहा है। आप लोग कैसे हैं? पूछो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं? बोलो अच्छे, जोर से बोलो, सब लोग अच्छे हैं? सब लोग अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं अच्छा। इतना क्यूट बच्चा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, इतना प्यारा, इतना क्यूट बोलता है। यू अच्छा गाइस से बात तो कर लो एक मिनट। कैमरा शाय है बहुत। इतना बोल दिया उसने, बहुत है। मामा ने बोला यूवेन सिर दबा दो, तो यू देखो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। उई 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 उई, सुनो मामा का सिर दबा दो प्लीज। आहा मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा, अच्छी दवा देता है मम्मा का। मम्मा हाँ, और दबा दो। आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आ रही है? तो हम रोज गाइस इस टाइम पे मस्ती करते हैं, बेड मस्ती, यू और मैं, कदल 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 खेलते हैं, कदल कदल, है ना, है ना यू? ये यू और मम्मा कदल कदल खेलते हैं, काटती है। तो गाइस कहा जाता है कि छोटे बच्चों के साथ मम्मा को एक से डेढ़ घंटे, हाँ बेटा अभी चलते, एक से डेढ़ घंटे टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, है ना बुगू? है ना? हाँ है ना। तो रोज हम खेलते हैं एक दो घंटे छाथ में। डरा दो सबको। मेरा प्यारा सा बच्चा। प्यारे लाल हैं ये, प्यारे लाल हैं, इनके बिना घर छूना छूना लगता है हमको। ओ ओ ओ ओ, तकिया पे सुलाएंगे ये, देखो हमको सुलाओ बाबू तकिया पे। ऊपर ऊपर उठ जाओ भाई, मम्मा ऊपर उठ जाओ, लेटू लेटू। हाँ थैंक यू मेरा बच्चा, आप भी लेटोगे? हमारे घर में चीनू को छोड़ के सब वुमेन्स हैं, तो करूंगी ऐसा कर, वही सीख गया ये वो लड़कियों जैसा बात करना, तो बोलता है मैं लेटूंगी। अम्मा मैं को। हाँ लो आपको ले लिया। यू सबका फोन उठा के घर में हेलो गाइस करता रहता है, मम्मा बैठी है, पापा खाना खा रहे हैं। मेरा बच्चा छूना है आपको? अच्छा ठीक है। तो गाइस हम आए हैं अभी छत पे, और छत का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि तूफानी तूफान चल रहा है, मतलब हवा इतनी तेज चल रही है और बादल हो रहे हैं, मतलब बारिश जैसा लग रहा है। इस बार मानसून बहुत जल्दी आ रहा है शायद, मुझे ऐसा लगता है। मामा 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 हैंड, मामा हैंड। युवू को किसी चीज से डर नहीं लगता। आओ ये देख मेरी साड़ी की एक पन्नी यहाँ पे पटक रख दी है, लेके जाना इसको नीचे।
अच्छी पन्नी है, वो भी खराब नहीं है। चलो आओ, आपको चढ़ना था ना। तो गाइस ये वो किसी चीज से नहीं डरता है, उसको इतना अच्छा लगता है चढ़ना। देखना अभी चढ़ेगा जैसे। चलो ये दिन 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 चल के बताओ इधर आओ। चलो नीचे उतरो। मेरा बिट्टू है, किसी चीज से नहीं डरता। तो गाइस रोज की तरह आज फिर मेरी ड्यूटी लगी है शोरूम पे। यू को लेके गए उसके पापा घुमाने। क्या लाए आप? वाओ, अरे वाओ, गिफ्ट लेकर आए आप। तो चिनू आजकल ना युवा को ना ऐसा लगता है कि कुछ भी हो गिफ्ट का इतना पता चल गया है उसको कि उसको मजा आता है गिफ्ट सुन करके। मतलब बॉक्स अगर अच्छे से रैप करके दे दो ना बोल के। हाँ सुनता है, प्रॉपर सुनता है। श्रवण कुमार है वो हमारा, श्रवण कुमार। और हम बोलने के लिए नहीं बोलते हैं सिर्फ श्रवण कुमार है हमारा पुत्र श्रवण कुमार। तो गाइस हम घर आ गए वापस। आज हम गए थे एक्टिवा से, तो क्या हाल हो गया मेरे बालों का उड़ उड़ के। तो बस जस्ट अभी हम आए हैं, बस अब यू का फूड वूड बनाऊंगी और सीधे सोने जाएंगे। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बाय बाय।